हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडी रेसिपी गैलरी। आज हम बनाने वाले हैं तवा पुलाव। तवा पुलाव को हम लोग बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बनाने वाले हैं। ये तवा पुलाव की बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। आप इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सभी को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तवा पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप राइस, 1/4 कप मटर, 2 आलू, 2 टमाटर, 2 शिमला मिर्ची, 1 छोटी बीटरूट, बीटरूट ऑप्शनल है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 नींबू और थोड़ा सा हरा धनिया। साथ ही साथ हमें चाहिए 2 मीडियम साइज की प्याज। प्याज को हमने ऐसे बारीक बारीक काट लिया है। टमाटर को हमने बारीक बारीक काट लिया है। उबले हुए आलू को हमने ऐसे मीडियम साइज टुकड़ों में डाइस कर लिया है। शिमला मिर्ची को हमने ऐसे पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है। बीटरूट को हमने ग्रेट कर लिया है। बीटरूट ऑप्शनल है, पर बीटरूट डालने से हमारे पुलाव में बहुत अच्छा कलर आता है। हरे धनिया को हमने बारीक बारीक काट लिया है और अदरक को हमने ग्रेट कर लिया है। तवा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके उसमें पानी बॉईल होने के लिए रख देंगे। पानी बॉईल हो जाने पे इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे ये राइस। राइस को हमने अच्छे से धो के 15 मिनट तक भिगो दिया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे राइस अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसको निकाल के हाथ से तोड़ के चेक कर लेंगे। ये देखिए, हमारे राइस 2 टुकड़ों में टूट रहे हैं, मतलब हमारा राइस अच्छे से बॉईल हो चुका है। हमें राइस को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ 80% ही कुक करना है। अब हम गैस बंद कर देंगे और हमारे चावल को एक छन्नी में छान लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने हमारे चावल को छन्नी में छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और इसको अच्छे से चला के मिक्स कर लेंगे। घी डालने से हमारा चावल चिपकता नहीं है और बहुत अच्छा खिला खिला बनता है। तवा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके उसमें एक पैन गरम होने के लिए रख देंगे। पैन में हम 1 चम्मच बटर डालेंगे। साथ ही साथ हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे ताकि हमारा बटर जले ना, और बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और जीरे को अच्छे से चला के भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज और प्याज को हम अच्छे से चला के भून लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा भूनना है। ये देखिए, हमारी प्याज ट्रांसल्यूसेंट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक और इसको अच्छे से चला के भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये लाल मिर्ची का पेस्ट। इस पेस्ट को हमने लाल मिर्ची को भिगो के उसको लहसुन के साथ पीस के बनाया है। साथ ही साथ हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले हल्के से रोस्ट हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे हमारे बारीक कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्ची और ग्रेट की हुई बीटरूट। अब हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से चला के भून लेंगे। ये देखिए, हमें इस तरह से अच्छे से चलाते हुए सभी सब्जियों को भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको भी हम अच्छे से चला के भून लेंगे। सब्जियों को हम ऐसे ही खुले में थोड़ी देर कुक होने देंगे। थोड़ी देर हमारे टमाटर और सब्जियां अच्छे से भून जाने के बाद इसमें हम डालेंगे हमारे उबले हुए आलू और उबली हुई मटर। हमने मटर उबली हुई यूज़ की है, इसीलिए हम इसको एंड में डाल रहे हैं। अगर आप कच्ची मटर यूज़ कर रहे हैं तो उसको बाकी सब्जियों के साथ डालें। 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से चला के मिक्स कर लेंगे। हमें सभी सब्जियों को बहुत अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। ये देखिए, हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून के तैयार हो चुका है।
अब हम इसमें डालेंगे हमारे बॉईल किए हुए राइस और राइस को हम धीरे धीरे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें बहुत धीरे से आराम से चावल और मसाले को मिक्स करना है ताकि हमारा चावल टूटे नहीं। ये देखिए हमारा पुलाव कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए हमें बहुत ही आराम से हमारे चावल को भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा नींबू का जूस और पुलाव को हम बहुत अच्छे से संभाल के धीरे से चला लेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। ये देखिए हमारा तवा पुलाव बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम एक प्लेट में हमारे पुलाव को निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से संभाल के धीरे धीरे हमें हमारे पुलाव को प्लेट में निकाल लेना है। हम इसको प्याज की स्लाइस और नींबू की स्लाइस के साथ सर्व करेंगे। गार्निशिंग के लिए हम प्याज के ऊपर एक धनिया का पीस रखेंगे और साथ ही साथ पुलाव के ऊपर बारीक कटे हुए हरे धनिए से गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए हमारा तवा पुलाव बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बना है। हम पुलाव को पापड़ और रायते के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूले ताकि आपको मेरे वीडियोज के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।